गैस आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे मीडिया क्वेरी क्या होती है और उसी के साथ साथ हम लोग एग्जाम्पल्स देखेंगे मीडिया क्वेरी के। तो मीडिया क्वेरी एक तरीका होता है हमारे लिए रिस्पॉन्सिव डिज़ाइंस बनाने का किसी भी वेबसाइट के लिए। अब ये रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन क्या होते हैं मैंने आप लोगों को ऑलरेडी समझा दिया है, अगर आप लोगों ने ये प्ले लिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो आप लोग ज़रूर करें। और यहाँ पर वीडियो नंबर 29 में मैंने आप लोगों को रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन समझा रखा है। अब यहाँ पर मैं आ जाता हूँ मुद्दे पर जो है इस वीडियो का, मीडिया क्वेरी क्या होता है। मीडिया क्वेरी इसको समझने के लिए एक फाइल बनाते हैं, नाम रखूँगा उस फाइल का tutorial30.html। अब ये मीडिया क्वेरी सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये होती क्या चीज़ है, एक बहुत ही नाइव भाषा में अगर आप लोगों को बताऊं तो मीडिया क्वेरी एक तरीका होता है हमारे लिए, जब भी हमारी स्क्रीन रिसाइज होगी तो हम बताएंगे कि यार अगर स्क्रीन की विड्थ इतनी हो जाए तब आपको क्या करना है, तब आपको कुछ स्पेसिफिक CSS को ऐड कर देना है पेज में, यानी कि इंजेक्ट कर देना है पेज में। अब देखते हैं ये काम किया कैसे जाता है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा मीडिया क्वेरीज, और ऑब्वियसली यहाँ पर एक स्टाइल बनाऊंगा क्योंकि मुझे स्टाइल तो बनाना ही पड़ेगा ना, CSS देनी है तो। और यहाँ पर मैं डॉट बॉक्स रखूँगा और इसका बैकग्राउंड कलर दे दूँगा रेड। उसी के साथ साथ मैं क्या करूँगा, बैकग्राउंड कलर रेड देने के साथ साथ इसका कलर दे देता हूँ ब्लैक, ठीक है। और मैंने सिर्फ अभी के लिए इतना ही किया है। और अब मैं यहाँ पर करूँगा क्या, मैं यहाँ पर div डॉट बॉक्स और यहाँ पर ऐड करूँगा IDs की बॉक्स डॉलर और मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखूँगा मैं एक आईफोन हूँ। अब मैं यहाँ पर लिखूँगा मैं एक टैबलेट हूँ। फिर मैं लिखूँगा यहाँ पर मैं एक कंप्यूटर हूँ, और उसके बाद मैं लिखूँगा मैं एक वाइड स्क्रीन कंप्यूटर हूँ। अब आप लोग सोच रहे होंगे क्या लिख रहा हूँ मैं, फालतू की बातें, लेकिन अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये चीज़ें फालतू की कैसे नहीं है। यहाँ पर मैंने क्लिक किया, देखो कुछ ज़्यादा हुआ नहीं, मैं एक आईफोन हूँ लिखकर आ गया, मैं एक टैबलेट हूँ लिखकर आ गया, ये सब चीज़ें लिखकर आ गई हैं, कोई मैंने बड़ा काम यहाँ पर किया नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर इसका जो फॉन्ट साइज़ है ना उसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। तो अगर मैं इसका फॉन्ट साइज़ को 22 पिक्सल कर दूँ तो ये थोड़ा सा बड़ा हुआ प्रतीत होगा और ये कुछ ऐसा दिखेगा। चलो बढ़िया, इसी के साथ साथ इसके टेक्स्ट लाइन को सेंटर कर देते हैं। सेंटर कर दिया मैंने टेक्स्ट लाइन को और ये देखो ये सब सेंटर में आ गया। तो मैं एक आईफोन हूँ, मैं एक टैबलेट हूँ, मैं एक ये हूँ वो हूँ, कोई बात नहीं, जो भी हूँ मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा सा। और यार 72 बहुत ज़्यादा हो जाएगा मुझे मालूम है, बट ठीक है अभी के लिए एग्जाम्पल के तौर पर रख लेते हैं 72। और इसको वाइट ही कर देता हूँ यार, वाइट अच्छा दिखेगा मेरे हिसाब से। हाँ वाइट देखो अच्छा दिख रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर इंस्पेक्ट करूँ और यहाँ पर ये बटन जो होता है मैंने आप लोगों को बताया था डिवाइस टूल बार इसको बोलते हैं, और ये एलिमेंट सेलेक्टर होता है। तो डिवाइस टूल बार पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर मैंने रिस्पॉन्सिव चुन लिया। अब मैं जैसी स्क्रीन छोटी बड़ी करूँगा तो ऐसा नहीं है कि ये ऑटोमेटिकली कुछ रिस्पॉन्सिवनेस ऐड कर देगा सिर्फ इतना करने से। अभी देखो मैं छोटी बड़ी कर रहा हूँ स्क्रीन, तो कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है, एकदम नॉर्मल है, बस टेक्स्ट जो है वो सिमट सा जा रहा है। लेकिन अभी देखना मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मीडिया क्वेरी लिखूँगा, और मीडिया क्वेरी करके लिखने के बाद मैं इस चीज़ को आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे ये इस वेबसाइट को, इसको एक वेबसाइट ही कह लेते हैं, अभी मैंने ज़्यादा मार्कअप डाली नहीं है, बट अगेन इसको एक वेबसाइट बोल लेते हैं, कैसे मैं इस चीज़ को रिस्पॉन्सिव बनाऊंगा, देखना। तो मैं यहाँ पर करूँगा क्या, इसकी डिस्प्ले कर दूँगा नन, ठीक है, और डिस्प्ले नन कर दूँगा तो गायब हो जाएगा सब, कुछ नहीं दिखाई देगा। अब मैं यहाँ पर करूँगा क्या, एक मीडिया क्वेरी डालूँगा, मैं कहूँगा मीडिया, तो मीडिया जैसे ही मैं लिखूँगा यहाँ पर @media लिखना होता है, और ये देखो @media मैंने लिखा तो ऑटोमेटिकली इसने मुझे सजेस्ट कर दिया। तो मैंने यहाँ पर MEDIA लिखा, मैं यहाँ पर MET की मदद से मीडिया क्वेरी लगा सकता हूँ। और मैं यहाँ पर लिखूँगा अभी मीडिया, फिर लिखूँगा ओनली स्क्रीन, और मैं ओनली स्क्रीन क्यों लिख रहा हूँ ये आप लोगों को बताता हूँ। खैर अभी ओनली स्क्रीन की बात को मैं हटा देता हूँ, मैं कन्फ्यूज़ नहीं करना चाहता अभी आपको, और ओनली स्क्रीन कोई बड़ी चीज़ भी नहीं है, बट अभी मैं लिखूँगा सिर्फ मीडिया। सिंटेक्स देखना अभी मीडिया क्वेरी का, मैंने लिखा यहाँ पर मीडिया। मीडिया लिखने के बाद इसके अंदर मैं लिख दूंगा मैक्स विथ, और मैं लिख दूंगा यहाँ पर 500 पिक्सल, और मैं कहूँगा जैसे ही ऐसे होता है मैक्स विथ जैसे ही 500 पिक्सल है तो क्या करो, जो बॉक्स वन है उसकी डिस्प्ले को क्या कर दो, ब्लॉक कर दो, ठीक है। और आप लोग यहाँ पर देखना भी यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जैसे ही मैं इसको छोटा करूँगा, देखो देखा जैसे मैंने इसको छोटा किया ये मीडिया क्वेरी फायर हो गई, और मीडिया क्वेरी फायर होते ही यहाँ पर मैं एक आईफोन हूँ लिख कर आ गया। यानी कि इसकी विड्थ मैंने यहाँ पर भी, इसको समझते हैं कि ये सिंटेक्स क्या है, मैंने कहा कि अगर तुम
कम से कम 0 और मैक्सिमम 500 के अंदर अंदर हो। मैक्स का मतलब तुम्हारा मैक्स अगर 500 है विड्थ का, और मिन मैंने क्योंकि स्पेसिफाई नहीं किया है इसलिए मिन अगर तुम्हारा 0 है तो 0 से 500 तक तुम कहीं भी हो तो तुम्हारी डिस्प्ले ब्लॉक हो जाएगी, यानी कि बॉक्स वन की डिस्प्ले ब्लॉक हो जाएगी, यानी कि इस मीडिया के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है वो लागू हो जाएगी सीएसएस। अगर ये नहीं होगा तो ये लागू नहीं होगी। तो बॉक्स वन की डिस्प्ले ब्लॉक ये बात लागू तभी होगी जब मेरी मैक्स विड्थ 500 है। अब मान लो मैं 500 से लेके मान लो मैं इसको थोड़ा और छोटा कर देता हूँ, एक्चुअली मैं 300 रखता हूँ इसको, और मैं एक और मीडिया क्वेरी डालूंगा। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ऊपर से जो मैंने लिखा है कॉपी करके नीचे पेस्ट किया मैंने, अपना कॉपी लाइन डाउन का शॉर्टकट यहाँ से बना रखा है, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताई है ये सब बातें। कीबोर्ड शॉर्टकट मैंने बना रखा है कंट्रोल डी अपना, आप लोग जो मन चाहे बनाएं, कॉपी लाइन डाउन यहाँ पर सर्च करें अगर आप लोगों को नहीं पता, क्योंकि ये सब चीज़ें काफ़ी लोग पूछते हैं, तो यहाँ पर जो भी आपकी की बाइंडिंग है वो आप यूज़ कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, बॉक्स टू का डिस्प्ले ब्लॉक कर दूंगा अगर मैक्स विड्थ मेरी क्या हो जाए, मैक्स विड्थ हो जाए मेरी 500 और मिन विड्थ क्या हो जाए, एंड मैं यहाँ पर लिखूंगा मिन विड्थ मैं यहाँ पर लिख दूंगा 500 और 300, ठीक है, मैक्स 500 मिन 300। और ये चीज़ जैसे ही होगी तब देखना आप लोग क्या होगा यहाँ पर। तो मैंने क्या किया, डिस्प्ले ब्लॉक कर दी अपने बॉक्स टू की, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा, मैं जैसे ही आऊँगा यहाँ पर, मैं जैसे ही बड़ा करूँगा इसको, बड़ा करूँगा, ये देखो मैंने छोटा किया, मैं एक आईफोन हूँ, मैंने बड़ा किया तो ये कुछ हुआ नहीं। मैं देखता हूँ क्या इशू आ रहा है यहाँ पर। मैक्स विड्थ हमारी 500 दी है मैंने, ओके, मैंने यहाँ पर पिक्सल नहीं दिया सबसे पहले, तो मिन विड्थ ये, तो देखो मैं एक टैबलेट हुआ गया, छोटा किया तो मैं एक टैबलेट हूँ, मैं एक आईफोन हूँ आ गया देखो, और मैंने बड़ा किया मैं एक टैबलेट हूँ आ गया। एक काम करते हैं, इसका कलर भी चेंज करते हैं ताकि कलर हमें चेंज होता हुआ दिखे। बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ यहाँ पर कुछ वॉयलेट सा कर देता हूँ, और यहाँ पर कर देता हूँ बैकग्राउंड कलर क्या करूँ, सियान कर देता हूँ, कुछ भी कर सकते हो कलर आप लोग। और यहाँ पर देखो ये वॉयलेट है, छोटा किया आईफोन है, और बड़ा किया टैबलेट बन गया ये। और उसके बाद और बड़ा करूँगा तो मैं अभी और आप लोगों को दिखाता हूँ इस चीज़ को करना। अब यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं मिन विड्थ को पहले लिख देता हूँ, हालांकि आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है मैं बता रहा हूँ, लेकिन मिन विड्थ को पहले मैक्स को बाद में, एक अच्छा हमको एक रीडेबल फॉर्मेट दिखता है अगर मैं ऐसे लिखूँ तो। तो मैं यहाँ पर करूँगा क्या, सेव करूँगा इसको। मैंने कहा कि 0 से लेके 300 तक ये सीएसएस लागू कर दो, फिर मैंने कहा 300 से लेके 500 तक ये सीएसएस लागू कर दो, अब मैं कह रहा हूँ 500 से लेके 800 तक ये सीएसएस लागू कर दो। किसकी, बॉक्स 3 की डिस्प्ले को कर दो ब्लॉक, और यहाँ पर मैं कर दूँगा येलो, और उसी के साथ साथ एक और मीडिया क्वेरी में लगाऊंगा यहाँ पर। और मैं क्या करूँगा, मैं लिख दूंगा 800 से लेकर कितनी भी हो किसकी डिस्प्ले कर दो ब्लॉक, बॉक्स 4 की डिस्प्ले ब्लॉक कर दो, ठीक है। तो अब अगर मैं आप लोगों को लेकर चलूँ, मैं ज़रा इसका ग्रीन कर देता हूँ बैकग्राउंड, अब अगर मैं लेकर चलूँ आपको यहाँ पर, तो ये देखो सबसे पहले तो सबसे छोटा कर दिया मैंने, आईफोन हो गया ये, ठीक है, थोड़ा और बड़ा किया, जैसे ही 300 का मार्क, यहाँ पर देखना विड्थ यहाँ पर लिखी हुई है, जैसे ही 300 का मार्क पूरा हुआ मैं एक टैबलेट हुआ गया, पहले आईफोन था अब टैबलेट हुआ गया। फिर मैं बड़ा करूँगा इसको, बड़ा करूँगा, देखो मैं एक कंप्यूटर हुआ गया। अब मान लो मुझे लगता है पीले पे सफ़ेद अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं पीला जहाँ पर मेरा बैकग्राउंड है, मैं यहाँ पर इसका जो कलर है वो भी ब्लैक कर सकता हूँ, ठीक है, तो वो भी मेरा यहाँ पर लागू हो जाएगा। देखो जो सीएसएस मैं लिखूंगा वो लागू हो जाएगी, आईफोन टैबलेट और उसके बाद आपका कंप्यूटर, और थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ वाइड स्क्रीन कंप्यूटर, ठीक है। तो इस तरह से मैं मीडिया क्वेरीज अपनी लगा सकता हूँ, मेरी मीडिया क्वेरीज फायर होती जाएंगी। देखो यहाँ पर लिख कर भी आ रहा है कि भाई ये मीडिया क्वेरी फायर हो गई क्योंकि आपकी मिन विड्थ थी 800 पिक्सल। और यहाँ पर जैसे जैसे कंडीशन पूरी होती जाएगी मीडिया क्वेरी की, एक एक करके यहाँ पर जिस हिसाब से कंडीशन पूरी हो रही है वो मीडिया क्वेरी फायर होती जाएगी। और ये तरीका होता है हमारे पास रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन करने का किसी भी वेबसाइट को। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मीडिया क्वेरी ने अपने पूरे पेज में और हर डिवाइस के लिए एक मीडिया क्वेरी लिखें, ये सिर्फ एक एग्जांपल था। हम रिस्पॉन्सिवनेस को बहुत ही चालाकी के साथ, बहुत ही चतुराई के साथ अचीव करते हैं, और कम से कम एफर्ट में हम लोग चाहेंगे कि हमारी वेबसाइट जो है वो रिस्पॉन्सिव बन जाए। ये कैसे करना है ये हम देखेंगे आगे, बट अभी के लिए मैं बस ये कहूँगा आप लोगों से कि मीडिया क्वेरी को समझना, मीडिया क्वेरी कुछ नहीं है, एक इफ़ कंडीशन की तरह है। अगर आप लोगों ने प्रोग्रामिंग करी है तो आप लोगों को मालूम होगा इफ़ कंडीशन क्या है, अगर नहीं भी करी है तो मैं बता देता हूँ। इफ़ कंडीशन का मतलब है वो कंडीशन जो कि सच होनी चाहिए, जो कि लागू होनी चाहिए, उसी के बाद आपकी ये मीडिया क्वेरी जो है वो असर करेगी, वरना ये जो सीएसएस लिखी हुई है इस डब्बे के अंदर, यानी कि इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर, वो काम नहीं करेगी। अगर मैक्स विड्थ आपकी 300 है, अब मिन विड्थ मैंने लिखी नहीं है, मिन विड्थ को 0 ले लेगा अपने आप, तो 0 से लेके 300 तक अगर है, मिन 0 है, मैक्स क्या है, मैक्स 300 है, तब क्या होगा, तब ये कहेगा ठीक है ये सीएसएस को लागू किया जाए, तो ये जाएगा बॉक्स वन के अंदर, डिस्प्ले सबसे पहले उसकी ब्लॉक सेट करेगा, उसके बाद इसका बैकग्राउंड कलर को सियान सेट करेगा, ठीक है।
जैसे ही मैंने विड्थ बढ़ा दी तो मिन विड्थ 0 से 300 की जगह ये 300 से 500 के बीच में आ गई, मान लो ये चीज़ सच हो गई। तो सारी मीडिया क्वेरीज में से जो जो कंडीशन सच है वो सिर्फ लगेंगी, वो लागू होगी। सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आपको सिर्फ अपनी जो विड्थ है उसके हिसाब से देखना है और उसी हिसाब से मीडिया क्वेरी आपकी जो है वो लागू हो जाएगी। सो यहाँ पर मैंने सिर्फ 4 डब्बे बनाए हैं और आप लोगों को 4 डब्बों पे लगाकर दिखा दिया। सबसे पहले मैंने सबको क्लास दे दी बॉक्स, इनको मैंने एक डिफ़ॉल्ट कुछ बैकग्राउंड कलर्स, कलर्स अलाइनमेंट्स, फॉन्ट साइजेस, वो सब चीज़ें दे दी। और ये सब देने के बाद मैंने क्या किया, इनको इंडिविजुअली टारगेट किया। मैंने कहा कि अगर एक सबसे छोटी विड्थ वाला हमारे पास डब्बा है तो मैं कहूँगा ये एक आईफोन है। उसके बाद मैंने विड्थ को थोड़ा सा बढ़ाया अगर तो मैं कहूँगा कि ये एक टैबलेट है। फिर मैंने उसको कंप्यूटर बोल दिया या फिर मैंने मॉनिटर बोल दूंगा उसको। अब कंप्यूटर तो आप लोग कहेंगे फ़ोन भी होता है, वो भी कंप्यूटर ही होता है एक तरह का, बट अगेन आप समझ गए कंप्यूटर का मतलब जो हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर है, तो उसको मैं डेस्कटॉप कंप्यूटर लिख देता हूँ क्योंकि मेरे पास कमेंट्स आ जाते हैं कि अरे भाई कंप्यूटर तो फ़ोन भी होता है, कंप्यूटर तो टैबलेट भी होती है, कंप्यूटर तो छोटा भी होता है। तो मैं लिख देता हूँ डेस्कटॉप कंप्यूटर, जो हमारा नॉर्मल घरों में यूज़ होता है, घरेलू यूज़ में आने वाला डेस्कटॉप कंप्यूटर। आई होप कि सही है ये। अब यहाँ पर एक डेस्कटॉप कंप्यूटर लिखा था मैंने, वाइड स्क्रीन कंप्यूटर लिखा था, उसके हिसाब से मीडिया क्वेरी फायर हो गई थी। अब मैं आप लोगों को मीडिया टाइप्स के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, मीडिया टाइप्स इन सीएसएस। क्या दिखाने लग गया, मीडिया टाइप्स में प्रिंट मीडिया, ब्रॉडकास्ट मीडिया, ये हमको सीएसएस में चाहिए मीडिया। तो देखो W3 की वेबसाइट खुल गई, W3.org, और यहाँ पर देखो मीडिया टाइप्स आ गए लिखकर। तो ये देखो मीडिया अलग अलग तरह के हैं, प्रिंट है, स्क्रीन है, और उसी के साथ साथ यहाँ पर ब्रेल है और भी तरह के हैं। बट हम लोग क्या करते हैं, अगर हम वो डिवाइसेस को सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं जो कि इन बाकी मीडिया टाइप्स के लिए बने हैं, तो हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे यहाँ पर अपनी मीडिया क्वेरी में ओनली स्क्रीन, सॉरी, तो हम कुछ इस तरह से लिख देंगे, हम कहेंगे ओनली स्क्रीन एंड, ये उसी तरह हम यहाँ पर लिख देंगे ओनली स्क्रीन एंड। तो आप लोग बिल्कुल ये मत सोचना कि क्यों लिखा, ओनली स्क्रीन का क्या मतलब है, बस आपको जैसा समझ लो कि जो ये मीडिया टाइप्स हैं इनको हम सपोर्ट करने के लिए, हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि हम सिर्फ स्क्रीन मीडिया टाइप को सपोर्ट करना चाहते हैं यहाँ पर, बाकी जो मीडिया टाइप्स हैं उनको सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं। एंड दैट्स अबाउट इट, इसको बंद कर दूंगा अभी मैं यहाँ पर, सिर्फ आप सोचें ना इस बारे में, इसलिए मैंने आप लोगों को बताया। एज अ बिगिनर नो नीड टू फोकस ऑन दिस, आपको सिंपली ये देखना है किस तरह मीडिया क्वेरीज अब फायर हो रही हैं आपकी, देखना है यहाँ पर किस तरह से ये जो है अपने कलर्स को चेंज कर रहा है। देखो जैसे जैसे मैं इसकी स्क्रीन को बड़ा छोटा करता जा रहा हूँ, अब आप यहाँ से भी कर सकते हैं स्क्रीन को बड़ा छोटा, लेकिन मैं यहाँ पर इसको सही तरीका समझता हूँ, रिस्पॉन्सिव करके इसको यहाँ पर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करो, सबसे पहले ये खोलो, उसके बाद यहाँ पर ये जो हमारा डिवाइस टूल बार है इसको खोलो। डिवाइस टूलबार को खोलने के बाद यहाँ पर रिस्पॉन्सिव सेलेक्ट करके आप कितना भी छोटा बड़ा कर सकते हो, स्पेसिफिक डिज़ाइन भी आप चुन सकते हो। अब मैंने स्पेसिफिक डिज़ाइन जो है यहाँ पर आईफोन 5 को मैंने टैबलेट बना दिया, देखो मैंने यहाँ पर देखी नहीं है विड्थ, मैंने रैंडम विड्थ डाल दिया, देखो आईफोन 6 में ये टैबलेट बता रहा है। तो आपको ये सेट करना पड़ेगा, 414 है तो आपको वो सब लगाना पड़ेगा वहाँ पे, तब जाके आएगा। तो आईपैड को डेस्कटॉप बता रहा है देखो, तो और आईपैड प्रो को वाइड स्क्रीन बता रहा है। तो आप लोगों को करना क्या है यहाँ पर, इन वैल्यूज़ को बस फिक्स करना है। मैंने ये रैंडम डाली है वैल्यूज़ सारी, तो इन वैल्यूज़ का जो सच्ची वैल्यूज़ होती हैं हमारी आईफोन की या टैबलेट की, उनसे कोई लेना देना नहीं है। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा अभी और ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियोस हेल्पफुल रह रहे हैं आप लोगों के लिए तो मैं कहूँगा इंडिविजुअली आप वीडियोस को लाइक करते चलें जैसे जैसे आप देख रहे हैं, और मुझे ज़रूर बताएं कैसा लग रहा है कोर्स कमेंट में। और अगर आप लोगों ने ये प्लेलिस्ट अभी तक एक्सेस नहीं करी है तो उस प्लेलिस्ट को काइंडली ज़रूर एक्सेस करें, यहाँ क्लिक करके इसको बुकमार्क करें और यहाँ क्लिक करके इसको सेव कर लें। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।